ये एरिया ऐसा पहुंच चुके हैं हम लोग जहाँ पे ये शोक रिवर है, उसके उस साइड वाला पीओके है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्किट एंड वी आर स्टेइंग नियर टू डिस्किट मॉनेस्ट्री। आरकेडी व्लॉग्स ऑल सेट टू गो टू लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और हम लोग आज बेसिकली जा रहे हैं थांग, बहुत ज़्यादा धूप और रखी है इसलिए छाँव में आ गया। अरे हमारे तो, और हाँ एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पे है ना, ये सेब का पूरा पेड़ है, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सनराइज गेस्ट हाउस, तो काफ़ी अच्छा है। एंड अभी हम लोग का प्लान ऐसा है कि हम लोग जाएंगे थांग, तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड मिलते हैं सीधे रोड पर। ये रास्ता बढ़िया है, चलो पेट्रोल पंप कहाँ पे है? ओके, तो अभी प्लान कुछ इस तरीके से है, पेट्रोल पड़वाएंगे क्योंकि 150 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है एंड उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे सीधे। यहाँ से दिखा रहा है अराउंड 3 आवर्स लगेगा पहुँचने में, 100 किलोमीटर्स कवर करना है हम लोगों को। और बीच में देखेंगे क्या क्या चीज़ें मिलता है, जो सैंड ड्यून्स और वो जो डबल हम्प कैमल रहता है यहाँ पे, वो हम लोग वापस आते टाइम में कवर करेंगे। सो डिस्किट का जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज़ 10,480 फीट। अभी थोड़ी सी बॉडी हम लोगों की एक्लेमेटाइज हो गई है, इतनी भारी भरकम मिस्टेक होगी कि यहाँ पे मैप्स में दिखाई नहीं रहा था पेट्रोल पंप कहाँ पे, और गलती हम लोगों की भी रही कि हम लोग लोकल लाइट से पूछा भी नहीं, इतनी गलती की भाई। 15 किलोमीटर गया हूँ उस साइड में, यहाँ पे पेट्रोल पंप है। बाक जस्ट फॉर एन अपडेट, अगर डिस्किट में रुके हो तो डिस्किट में ही एक पेट्रोल पंप है, यू डोंट हैव टू गो टूवर्ड्स नूबरा वैली पेट्रोल फिलिंग स्टेशन। इट्स वेलकम टू हंडर ब्रिज, और ये श्योक रिवर जा रही है। ओए होए, सही में बिल्कुल ब्लू पानी है यहाँ का। थीम आ रही थी यहाँ से, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है कि यहाँ पे वाटरफॉल सा बना दिया जो कि नीचे से होके जा रहा है, और ये वहीं पे रिवर में मिल जाएगा जो श्योक रिवर जा रही है। ये जो एरिया है दिस इज़ थॉयसे, और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मतलब प्लांटेशन नहीं हो सकती, ओनली थिंग इज़ कि जहाँ पे भी प्लांटेशन होती है वहाँ से बराबर से पूरा ग्रीनरी हो जाता है, अलग सा दिखता है ना बिल्कुल। जहाँ जहाँ सिटी बसा हुआ है आपको अगर दूर से दिख रहा है कि ग्रीन है तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे सिटी बसी हुई है। सो वी आर एट स्कुरु विलेज, और यहाँ पे ऐसे पूरा वाटर स्ट्रीम आता है, पास होता है, क्या बात है। इधर तो बहुत अमेजिंग ब्लू कलर का। यहाँ से चांगमार जो है 9 किलोमीटर्स अवे है, और यहाँ पे पत्थर वाली पहाड़ी शुरू हो गई है बिल्कुल ही अलग। तो यहाँ पे जो ब्रिज है 100 मीटर्स कुछ का है, और ब्रिज का नाम है लारग्याप ब्रिज, इनॉग्रेटेड बाय चीफ इंजीनियर। अलग ही लग रहा है भाई, ये तो पूरा पत्थर को काट के बनाया गया है कि पत्थर ऐसा था उसी को लेके बना दिया गया है। देख के आना थोड़ा सा, यहाँ पे स्टील वाला वो निकला हुआ है, लारग्याप करके जो ब्रिज था उसके बाद में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग था ये वाला। यहाँ पे जो पूरा पहाड़ी है यहाँ का पत्थर मतलब ब्लू कलर का है, अलग ही लग रहे हैं यार आसपास वाले पत्थर बिल्कुल। यहाँ पे श्योक रिवर का वाटर फ्लो देखो कितना तेज़ है, यहाँ पे एक्चुअल पता लग रहा है क्योंकि जो पानी है इधर पे आके फ्लैट हो रहा है, वहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है। अरे भाई अभी रील बन जाती मेरी और फिर उसमें गाना डालना पड़ता। ओह नो 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 नो, दिस इज नीक वीक ब्रिज, कॉशन वीक ब्रिज, 1 व्हीकल एट अ टाइम इसलिए। अरे भाई ये लकड़ी का बना हुआ है, जयदीप को आने बोला उधर एक कार आ रही है ना फिर वो आएगा। चलो चलो निकलते हैं, सब क्रॉस कर लिए अभी यहाँ से निकलते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे हैं धीरे धीरे। सो यहाँ पे तुर्तुक एरिया एंटर करने से पहले एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ती है जहाँ पे आप लोगों को एंट्री करानी पड़ती है, मैंने कर दिया एंट्री करा दी, बाइक प्लस 2 कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो बस जाते टाइम में एक टोकन मिलता है वो यहाँ पे वापस देना है।
सर फोर कर देना उसमें, एक बंदा और है साथ में इस वाले में। हाँ वन प्लस फोर है। चलो चलो हम लोग आ रहे थे चांगमार से, यहाँ पे है पुलिस चेक पोस्ट, देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स तुरतुक जो कि है अराउंड 33 किलोमीटर्स, और यहाँ से आ जाएगा त्याक्षी देन थांग। चलो आ जाओ फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से। लुक एट द माउंटेंस मैन, द बेस्ट थिंग इज वी आर नॉट कैरिंग मोर लगेज विद अस। दिस इज शोक वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे देखो सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम हु आर सर्विंग फॉर द नेशन। बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसी जगह पे सर्विस करना भी, मतलब आसपास जहाँ पे कुछ नहीं है, दिन में गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात में ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, बट उनका डेली का रूटीन यही रहता है। इधर का जो रोड्स है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला पैच मिल जाता है। कल वाले रास्ते में एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा हो सकता है अराउंड 50 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग। कल का जो पैंगोंग वाला राइड है एंड पैंगोंग से ले वो रहेगा कुछ 300 किलोमीटर का। यहाँ से चालुंग का इज़ 1 किलोमीटर, और इसी तरीके से यहाँ पे ब्रिज मिलते रहते हैं जो काफ़ी पुराने बने हुए हैं और वुडन है, तो एक गाड़ी एक टाइम पे अलाउड रहती है। आई थिंक उस साइड में कोई काम चल भी रहा है नए ब्रिज का। बाप रे, बाप रे, तुरतुक और थांग वाले एरिया में नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा है, एयरटेल का जियो का किसी का भी नहीं पकड़ रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं तुरतुक, और तुरतुक से यहाँ से 7 किलोमीटर आगे पड़ जाता है थांग। ओके, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ता है थांग में एंटर करने से पहले, जहाँ पर अपने को जो बाइक का एंट्री है वो कराना है। तो एंट्री में कुछ नहीं, आपको नाम लिखवाना रहता है और अपना बाइक का नंबर लिखवाना रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं थांग, और टाइम इज़ 3:32। वापस आते आते आई थिंक सो आधा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू हो जाता है थांग लास्ट विलेज, और वहाँ पे एक्चुअली किसी को रुकना अलाउड नहीं है, बट ओनली थिंग इज आप जा सकते हो, जाके वापस आ सकते हो, कोई होम स्टेज कुछ भी अलाउड नहीं है। जो भी अगर आप एंट्री कर रहे हो चेक पोस्ट पे, यू हैव टू शो योर फिजिकल आईडी कार्ड जो कि जमा होगा, अगर फ़ोन में दिखाते हो तो फ़ोन आपका जमा हो जाएगा। तो ये अभी रिसेंटली खुला है थांग तक जाने का, टैक्सी था पहले लास्ट विलेज, अभी इन्होंने ओपन रिसेंटली करके कर दिया है थांग। ये वाला ब्रिज बना हुआ है, बाई वॉक जा सकते हो, और एक आगे वाला ब्रिज है। बाय बाय, बच्चे बड़े क्यूट है यार यहाँ के बेचारे, जैसे ही जहाँ पे कोई देखेगा अगर कोई बाइक से आ रहा है या कोई मोटो ब्लॉगर आ रहा है ना, पूरा चॉकलेट मांगने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यहाँ से यू आर अंडर आर्मी ऑब्जर्वेशन। अभी जाना कहाँ पे है, जाना किस साइड में है? सो नाउ वी आर एंटरिंग थांग विलेज, और कुछ इस तरीके का रोड है यहाँ से, पूरा जो शोक रिवर है वो आ रही है। तो सो थांग विलेज में ज़्यादा कुछ तो नहीं रहेगा, बट बस यही है कि छोटा सा विलेज है बिल्कुल बॉर्डर के पास में, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ये। ये वाला माउंटेन्स देख लो, मतलब ये अब ये एरिया ऐसा पहुँच चुके हैं हम लोग जहाँ पे ये शोक रिवर है, उसके उस साइड वाला POK है, और ये वाला पूरा इंडिया। तो अभी यहाँ से हम लोगों को निकलना है 2.2 किलोमीटर, जहाँ के बाद में शुरू हो जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा पैची रोड है, यहाँ तक नहीं संभाला गया है। साइड में लगा दूँ। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बॉर्डर के बिल्कुल पास में, आगे जाके दिखाता हूँ। सो दिस इज़ इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट, 30 मीटर इस साइड, बॉर्डर व्यू पॉइंट एक इस साइड भी है। सो अभी हम लोग हैं बॉर्डर व्यू पॉइंट पे, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ जो उधर साइड में जूम करके, जो एक नीचे लाइन से जा रही है, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। और आई नो इसमें नहीं आ पाएगा, बट एनी वेज यहाँ पे बने हुए व्यू पॉइंट एक उस साइड में है,
और एक इधर साइड में है। बट अलग लेवल का फीलिंग है क्योंकि ये भी हम लोग हैं अभी थांग में एंड थांग इज़ द लास्ट विलेज जहाँ तक पब्लिक अलाउड है। उसके आगे जो बॉर्डर चेक पोस्ट आ जाती है वो आ जाती है। इंडिया साइड में जो बंकर बने हुए हैं वो दिखते हैं कुछ इस तरीके से, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरीके से बंकर बने हुए हैं और बाकी इधर आसपास हर चीज़ पत्थर से बनाई गई है ताकि विजिबल ना रहे। ये वाला जो एरिया है ये पहले बंकर था, अभी यहाँ पे क्योंकि पब्लिक आना अलाउड कर दिए तो जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं वो थोड़ा आगे मूव कर दिए गए हैं। बट यहाँ से देखो दो तीन बंकर है, आसपास पूरे बंकर है और यहाँ से देखा जाता है। बहुत सही, तूफानी देखो, तूफानी बंकर भी दिखा देते हैं। कितने जने आ जाएंगे इसमें? अरे मेटल वाला है। ओ हाँ, ओ और इंटरेस्टिंग, अगर इसको खोल दिया जाए बस इतने से देखते हैं जैसे बुलेट नहीं जा पाए। हाँ, ओह माय गॉड, मेरा डेड हो गया बैटरी। तो कुछ इस तरीके का है बंकर के अंदर से, इस साइड दिखता है ठीक है और एक इस साइड दिखता है और यहाँ से पूरा नीचे जो बॉर्डर है मेटल वाला पीस है ना वो दिख रहा है यहाँ से, एकदम क्लियर व्यू है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड टाइम इज़ 4:26, 3 घंटा यहाँ से वापस पहुँचने में लग जाएगा। तो आई थिंक सो 100 आज शायद हो पाएगा। और ये वाले पहाड़ पूरे इंडिया के और उस साइड वाले पहाड़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के। सो कमेंट करके बताओ आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। एंड ये जो थांग विलेज है, दैट थांग विलेज ओपन हुआ है जस्ट 2 वीक्स बैक और इससे पहले जो लास्ट विलेज था वो त्याक्षी था। तो हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हम लोग थांग जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो पहले चेक पोस्ट थे अभी वो खाली कर दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बंकर रहता है जहाँ पे भी। तो यहाँ से आ गया है अपना फाइनल जो ब्रिज था, इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे स्ट्रेट टूवर्ड्स तिस्किट। सो गाइस अभी हम लोग वापस पहुँचने वाले हैं हंडर और हंडर में देखेंगे सैंड ड्यून्स कहाँ पे मिलता है। और सैंडल्स एक्चुअली हम लोग लेफ्ट साइड में पड़ा था और उसके बाद में देखेंगे डबल हम कैमल। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इसको कहते हैं सैंड ड्यून्स और यहाँ पे बड़े बड़े जो वाइट बालू है उसके टीले बने हुए हैं। तो यहाँ पे कैमल वाला मतलब डबल हम कैमल मिल जाता है और आपको जो भी ATV राइड रहती है वो मिल जाती है। तो ये है यहाँ के डबल हम्प कैमल, छुटकू छुटकू से मजा आ रहा है, कैमरा नहीं खाना है। अरे वाह क्यूट, ये तीनों ऐसा क्यों खड़ा है, ये मस्त खड़ा हुआ है। तो ये वाले हैं छोटे छोटे बच्चे, वो है बड़े बड़े वाले डबल हम्प कैमल।